उधर मैं तो उठा ये दब जाए गैस को लगा लिया है, थक गई मैं तो, हवा तय तो क्या, जो काम घर को करना चाहिए वो लड़की को करना पड़ता है क्योंकि लड़का है ही नहीं। ते मेरी आग का धोखा तो नहीं, ये देखो गाइस, हे भगवान, 55 हूँ मैं। तो ये देखो गाइस, अभी मैं वीडियो बना रही थी, यहाँ पर रखा था मैंने मोबाइल साथ में रखा हुआ था, ये देखो ले गया मेरा जूस पी रहा है साला, कितना हरामी है, कसम से छीन के ले गया ये, कसम से मेरा। हे गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग पे, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ उत्तराखंड में, बहुत ही ठंडा है यहाँ पर, और नोएडा में कितनी गर्मी है बाप रे, वहाँ तो हवा तहत हो गया था, वहाँ पर इतनी गर्मी है और यहाँ पर आके देखा तो ये बहुत ही ठंडी है। तो अभी सुबह की 9:30 बज चुकी है, जस्ट अभी उठ के मैं मुँह धो के आई हूँ, तो थोड़ा सोचा थोड़ा सा आप सभी को बता दूं कि मैं पहुंच गई उत्तराखंड, तो आज के बाद आप सभी को पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पीछे जो आंगन है, थोड़ा सा हमने फूल वगैरह लगाए थे, आप देख सकते हो, ये देखो फूल वगैरह खिल गई है, ये वाइट वाइट सी है फूल, ये रेड वाला एक दो पीस ही खिला हुआ है, और बाकी ये देखो छोटे छोटे फूल अभी आ रहे हैं, और ये है मनी प्लान। लोग कहते हैं कि मनी प्लान अगर घर में रखेगा तो पैसे पैसे होते हैं, पैसों की कमी नहीं रहता है, तो इसलिए देखो मनी प्लान रखा हुआ है इसमें। तो ये देखो फूल, हमारे फूल, ये देखो कितनी सुंदर फूल है। तो गैस आप देख सकते हो, ये हमारा छोटा मोटा गार्डन है, ये छोटा सा गार्डन है हमारे है, ये देखो। तो यहाँ से बाहर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि आज शीशा साफ नहीं किया ना, तो इसलिए खिड़की साफ नहीं की ना, तो इतना साफ नहीं दिख रहा है, ये देखो गाइस। तो ये देखो कैसा लगा, कमेंट पे जरूर बताना हमारा छोटा मोटा गार्डन कैसे लगा आप सभी को। तो ये देखो छोटा सा फूल, एक ही पत्ता है इसका, एक ही फूल खिला हुआ है इसमें, और इसमें खिलना बाकी है, इसका भी रेड कलर है इसका फूल भी, और बाकी व्हाइट और रेड दो ही कलर की है फूल, दो ही किस्म की है। तो गाइस कमेंट पे जरूर बताना हमारा छोटा मोटा गार्डन कैसा लगा आप सभी को, और इस जो फूल जो है ना, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इसमें, बहुत ही देखभाल करना पड़ता है इसमें, तभी जाके इतना सुंदर होते हैं, जब देखभाल सही से करेंगे ना तब जाके ऐसे खेलेंगे फूल, ऐसे ही होंगे। तो अभी मैं उत्तराखंड में आ चुकी हूँ, बहुत ठंडा लगा, कल आई थी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि सफर करने में मुझे बहुत तकलीफ होता है, मैं बहुत उल्टी करती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होता है, जाते वक्त भी मैंने बहुत से वोमिटिंग हुआ था, मुझे बहुत उल्टी हुई थी, मुझे आते वक्त भी हुई थी मुझे, तो उसी के चक्कर में मुझे वीडियो बनाना, मतलब वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो कल जैसे कल तो मैं आई थी, पूरा कंफ्यूज हो गया था, मैं भूल गया था कि रास्ता कहाँ से जाना है, इतना कूड़ा था ना पूरा, देखो अभी भी देखो पूरा कूड़ा सी है देखो, तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था कि रास्ता भूल गई थी मैं, भटक गई थी कि मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सामने का ही रास्ता दिख रहा था और दूर 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 का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं पूरा रास्ता भटक गया था, भूल गया था कौन सी ये है। तो अभी तो आ ही गया हूँ, तो आज से शुरू है ड्यूटी जाना, तो 10:30 को है, 10:30 को जाएंगे। तो फिलहाल अभी उड़ के मैंने मुंह तो धो लिया है, फिर दोबारा धोना पड़ेगा, नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता बनाने के लिए इसलिए मैंने शॉर्टकट में मुंह धोई थी, तो अभी फिर से धोना पड़ेगा मुंह को, तैयार होना पड़ेगा, फिर चलेंगे, फिर थोड़ा सा आस का नज़ारा भी दिखा दूंगी आप सभी को, है ना। तो गाइस यहाँ पर मेरा दोस्त अपना वेट नाप रहा है, कितना है, अब मैं नापती हूँ मेरा वेट कितना है, मैं भी देखती हूँ, मैंने आपको देखा नहीं मेरा वेट कितना है। तो गाइस देखो 55 हो गया यार। अच्छी हूँ कि मैं अंधी हूँ। तो गाइस मैंने पिछले महीने ही मैंने वेट मैंने चेक किया था, उस टाइम कितना था मेरा, 48 था, जैसे नोएडा गई मैं एक हफ्ता बैठ के आई, तो देखो गाइस ऐसे ही होता है, जब मैं घर का खाना खाती हूँ ना तो मैं मोटी हो जाती हूँ, मेरा वेट बढ़ जाती है। इतनी चर्बी है तो 5-star होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता। 56 हो गया, 56 यार, यकीन नहीं हो रहा मुझे, हे भगवान, 56 मेरा वेट यार,
मैं तो हर किसी को बोलती हूँ कि मेरा वेट जो है कि 48 है 48 है 48 है 48। मैंने क्यों एक देर दो महीने से मैंने मेरा वेट चेक नहीं किया था, तो अभी चेक करके मालूम पड़ा मेरे को ये भगवान मैं मोटी हो गया, मेरा वेट बढ़ चुके है यार। यार गाइस मुझे भरोसा नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि मेरा वेट 56 हो सकता है यार। मैं फिर से देखती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ, मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लगता है ये मेरी आंखों की धोखा है यार, कसम से मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरा 56 कैसे हो सकता है वेट एक हफ्ते में। मैं नोएडा गई थी, एक हफ्ते बैठ के आई थी वहाँ पर, एक हफ्ते में मैं इतनी मोटी हो गई, इतना वेट बढ़ गया मेरा एक हफ्ते में। ओह माय गॉड, अब मेरे को पतली होना पड़ेगा फिर और डाइटिंग करना पड़ेगा, मुझे टेंशन हो गया, मेरे को टेंशन हो गया। नहीं तो मैं बिंदास रहती थी कि हाँ मैं पतली हूँ, मेरा वेट जो है 48 की है और मैं बिंदास रहती हूँ यार, ये तो जरा जरा नाइंसाफ ही है। तो गाइस देखो मैं फिर से नाप के देख लूँ तो मेरी आँख का धोखा तो नहीं, ये देखो गाइस हे भगवान 55 हूँ मैं, 56 समझो। हे यार देखो वेट बढ़ गया मेरा, अब मेरे को टेंशन हो गया, अब मेरे को देखना, अब मेरे को एक्सरसाइज करना पड़ेगा यार, एक हफ्ते में कैसे बढ़ सकता है यार, ये की नहीं हो रही है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये आंखों का रैम नहीं है, आंखों का धोखा नहीं है, ये हकीकत है, मैं मोटी हो गया हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है, ये हकीकत है भाई हकीकत। अब क्या होना है, जो होना है हो चुका है, अब क्या ही कर सकते हैं गाइस। अच्छा यार मेरे को बहुत अजीब से लग रहा है यार, अच्छा मेरा वेट बढ़ गया यार एक हफ्ते में, इसलिए मैं ना घर का खाना कम खाती हूँ मैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ना अगर तेल की चीज़ खाऊंगी ना इतना मोटी नहीं होती मैं, क्योंकि वो शरीर में लगता ही नहीं है मुझे। जो मैं बॉयल सब्जी खाती हूँ ना, बॉयल जो हमारे जो ड्राई फिश होता है ना, वो डाल के खाती हूँ ना, तब जाके मैं मोटी हो जाती हूँ। इसलिए ना पिछले साल के में लॉकडाउन में भी मैं ऐसी थी कि लॉकडाउन में मैं खाना भी नहीं खाती थी, बस एक ही टाइम खाना खाती थी मैं, एक टाइम में भी इतनी फूल गई, सुअर की तरह फूल गई मैं, तुम ऐसे फूल गई सुअर की तरह फूल गई थी, पूरा फूल गई थी मैं, सुअर की तरह फूल गई थी मैं लॉकडाउन में। तो तब से मैं देहरादून आई, मेरा दोस्त की जहाँ शादी हो रखी है, मेरा दोस्त एक है लड़की है वही गाँव की है, यहाँ शादी हुई उनकी देहरादून पे, तो वहाँ पर आके मैं 3-4 महीने बैठा, हम दोनों दोस्त और मेरा दोस्त और मैं इतना डाइटिंग किया, तब जाके इतनी पतली हो गया, सुखा मच्छी से हो गया, तब से मैं मोटी नहीं हो रही थी, ऐसे ही हूँ। अब देखो फिर उसने मेरा वेट था 48 46 47, उससे बढ़ता ही नहीं था। तो अब मैं नोएडा भी जाके आई हूँ, मैं अभी एक हफ्ता बैठ के आई हूँ, वहाँ पर मेरे को पैन लोग ने इतना खिलाया पिलाया, अब देखो मेरा वेट बढ़ा दिया 56 57 हो रही हूँ मैं भाई, आप सबने तो देखा ही होगा थोड़ा वेट बढ़ चुकी है अभी मेरी, अब तो थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो भाई तो गाइस हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, अभी लेके आया बना के, ये देखो थक गए नीचे से लाए, नीचे से थक गए, हवा तेज हो गया। तो गाइस हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, ये देखो अब नीचे से लेने गया, बहुत भारी है, अब किचन में ले जाते हैं इसको। तू क्या परेशान कर रहा है यार, ये उधर ना, तू उधर ये दब जाएगा, क्या हो गया है दब जाएगा, वही दब जाएगा, एक हाथ से नहीं उतर सकती, दोनों हाथ से उतरना पड़ता है, क्या हो गया तेरे को, उतर नहीं सकते क्या, ये भूख लग रहा है इसको, निशा के ऊपर मानता है क्योंकि मानना पड़ेगा ना इसको, बाद में साफ करते हुए
मैं रूम में जा रही हूँ, मैं बैठा के जाती हूँ, चाय तू ड्राइवर से रख के, ठीक है? एक केस निकल, दो केस निकालने के लिए बोल रहा है। गैस निकाल दे, टूट टूट बूम बूम बोल। उनका नाप गैस चल चल। तो गैस हो गया, लगा लिया मैंने। तो गैस फाइनली मैंने गैस को लगा लिया है, थक गई मैं, तो हवा नहीं लगे। जो काम घर को करना चाहिए वो लड़की को करना पड़ता है, क्योंकि अंदर का है ही नहीं, लड़का अलाउ नहीं है, सारे लड़की लड़की है, तो इसलिए हमें कुछ करना पड़ता है। लड़का का काम भी हमें खुद ही करना पड़ता है, लड़का जैसे हमें सिलेंडर उतरना पड़ता है, लोग हमें घूम देखते कि बाप रे ये लड़की तो इतना काम करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग वहीं के लोग बहुत काम करते हैं, मगर हमें भी बोलते हैं लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं यार, तो हैरान लग रहे हैं कि लोग करना पड़ता है। जिस घर में लड़का रहता है उस घर से लड़की को थोड़ा सहारा हो जाते हैं, कि मतलब तो आसान हो जाते हैं काम करने में, बारी बारी से काम चावल वो सारे। तो यहाँ पर लड़का नहीं है, ऐसा लड़की है, तो इसे हमें खुद करना पड़ता है, हमें खुद करना पड़ता है, लड़का लड़कों की काम भी हमें करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी को कह दूँ, लड़का से काम मत समझना हमें, लड़के के बराबर कभी नहीं कर सकते हम लड़कियाँ। तो गाइस अभी फिलहाल रेडी हो जाती हूँ, काफी टाइम हो चुकी है, ड्यूटी जाना है अभी, मतलब तो बनाने टाइम लगेगा, तो नहीं बनाएंगे हम, सीधा दिन के खाना खाएंगे। तो अभी मैं रेडी सेडी होके मिलती हूँ आप सभी से। तो ये देखो गाइस, अभी मैं वीडियो बना रही थी, यहाँ पर रखा था मैंने मोबाइल साथ में रखा हुआ था, ये देखो ले गया मेरा जूस, पी रहा है साला, कितना हरामी है, कसम से छीन के ले गया ये, कसम से मैंने दिया नहीं इसको, सोचा आज नाश्ता नहीं किया ये पीऊंगी मैं, साला ले गया ये देखो, कुछ भी खा पी नहीं सकते, यहाँ पर छीन के लेके जाते हैं, और मेरे को धमकी दे रहा है ये ले, अभी जूस ले गया ये मेरे से और मेरे को धमकी दे रहा है, दुख मोबाइल नहीं दे रहा है। ये देखो ना, खुद पिया ना मुझे पीने दिया साला, मुझे पीना था ये ले गया, देखो मैंने यही रखा हुआ था सामने, यही रखा हुआ था यहाँ पर, यहाँ से उठा के ले गया, वो यहाँ से सीधा आया इधर से आके फिर ले गया है, इधर नहीं नुहान दे ले गया। तो है गाइस, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी बहुत बड़ा पोपट हुई थी भाई, भयंकर डर गई, मैंने जूस लाया था, मैं बंदर को दिखा नहीं था, जूस लाया था मैंने, तो मैंने एक साइड रखा था, तो उसके ऊपर मैंने फ़ोन रखा था, मैं वीडियो बना रही थी इंस्टाग्राम पे, रील्स बना रही थी, बंदर पीछे से कब आया पता नहीं चला मुझे, जूस लेके भाग गया, मैं इतनी डर गई भाई, इतना जोर से चिल्लाई मैंने भाई, बहुत भयंकर डर गई मैं तो आज, तो कसम से ये बंदर ने मुझे बहुत डरा दिया है, मुझे कोई बात नहीं, जूस ले गया कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर फ़ोन रख के गया उसके लिए बहुत ही बुरी बात है, मुझे बहुत डर लगता, मुझे कहीं फोन लेके ना जाए वो। तो गाइस दोस्त आ चुके हैं नाश्ता करके, नाश्ता सिर्फ चाय पी के आया। अच्छा कैसा लगा मेरा मजाक?